मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के इको टूरिज्म कुकरू खामला को विकसित करने के लिए वन विभाग ने जीर्णोद्धार किया है। इसके अलावा पर्यटन और वन संरक्षण जागरूकता के लिए आज बाइक रैली भी निकाली गई, जो बैतूल से कुकरू तक जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दक्षिण वन मंडल के DFO विजय अनंतम, TR और समाज सेवी रामकृष्णन तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय शुक्ला ने राइडर्स को हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया। हमारा इवेंट है हाईवे राइडर्स क्लब का, जो कि हम लोग कुकरू में इको टूरिज्म जो होता है उसको प्रमोशन बेसिक हमारा मोटिव है। सेकेंडरी जो हमारा इसका वो है मोटिव है वो ये है कि हम लोग ट्रैफिक के लिए और सेफ्टी के लिए लोगों को जागृत कराए कि भैया अपने को हेलमेट पहनना जरूरी है, अपने को गाड़ी व्यवस्थित चलाना जरूरी है, ये सब जो ट्रैफिक नियम है उनके अकॉर्डिंगली लोग चले, ये इसका मोटिव है हमारा। ये रैली कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये यहाँ से चालू होगी बैतूल से, हाई लव बैतूल के जाते हुए हम लोग पहुँचेंगे सीधे कुकरू वैसे ही होते हुए। कितने मीटर का रन है इसमें और कितने लोग जा रहे हैं? तकरीबन 25 से 28 लोग हैं और मे बी 30 लोग के आसपास है, और रन तो कुकरू का सबको पता ही है, लगभग 60-70 किलोमीटर के आसपास बैठता है। 80 एक चीज़ और है कि हम लोग जो ये कुकरू की जो राइड की जा रही है, इसका मेन मोटिव ये है कि आसपास बैतूल के आसपास बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत हरियाली है, लोग उसको प्रमोट करें ताकि बैतूल में पर्यटन बढ़े, लोग आसपास की जगहों को घूमें, और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है बैतूल के लिए, बैतूल के विकास के लिए। तो एक बाइक रैली यहाँ से कुकरू तक जाएगा एंड बीच में बैसदे रेंज में पौधारोपण कार्यक्रम हमने अरेंज किया है, और कुकरू में इन लोगों को रुकने का व्यवस्था और ट्राइबल डांस कोरको डांस वगैरह हमने आयोजित कर रहे हैं आज। और इनका ये उद्देश्य है कि यहाँ से ये जो हमने जो रिसेंटली कुकरू इको टूरिज्म परिसर का पूरे तरीके से रिनोवेशन किया है और काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हमने शामिल किया है, जैसे जंगल सफारी हो एंड व्यू पॉइंट रिनोवेशन हो एंड कोरको डांस हो, मचान स्टे एंड होम स्टेज वगैरह, हॉर्स राइडिंग, साइकिल राइड, ये सब हमने शामिल किया है। उसके साथ साथ नर्सरीज वगैरह हमने स्थापित किया है जहाँ लोग अपने काफ़ी पौधा को, जो कुकरू का फेमस काफ़ी पौधा को खरीद सकते हैं। उसके अलावा 24/7 कैंटीन फैसिलिटीज़।